हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से वीडियो में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फ्रेंड अगर आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड नहीं होता है। क्या होता है कि आप जब भी प्ले स्टोर पर कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पेंडिंग प्रॉब्लम आ जाता है और आपको ऐप डाउनलोड नहीं हो पाता है। वैसे में आप घबरा जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे या अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, डाउनलोड भी हो जाएगा। सभी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला, हमारे वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं फिर से कोई नई वीडियो आऊं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड नहीं होता है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, आपका मोबाइल में ऐप मैनेजर का ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि हमारा वीवो का है तो मोर सेटिंग में यहां से क्लिक करते हैं तो यहां से ऐप मैनेजर का ऑप्शन दे देता है। इस पर आपको क्लिक करना है, ऐप मैनेजर पर। ऐप मैनेजर पर जब भी क्लिक करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा लोडिंग लेने के बाद, और यहां पर आपको जितना आपको मोबाइल में ऐप होगा सभी आपको दिखने लगेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको प्ले स्टोर को सिलेक्ट करना है। चलिए यहां से मैं प्ले स्टोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां से प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको फर्स्ट मिलेगा स्टोरेज का ऑप्शन, स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, जैसे आप स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गूगल प्ले स्टोर। जैसे कि देख सकते हैं टोटल आपको एमबी दिखेगा, यहाँ से ऐप का एमबी दिखेगा, और यहाँ से डेटा का एमबी दिखेगा। फ्रेंड, क्या होता है कि आप जब भी आप प्ले स्टोर जब भी आप साइन इन करते हैं उसी दिन से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारा डेटा एक पे एक पूरा डाटा खो जाता है, और आपको क्या होता है कि डेटा क्लियर करना पड़ता है तभी आप जो प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी आपको डेटा ज्यादा हो जाता है तो आपको क्लियर करना पड़ता है, और क्लियर करेंगे डेटा तो आपको प्ले स्टोर पर जो कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहां से क्या करना है, यहां से क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा पर जब भी क्लिक करेंगे यहां से आपको नीचे क्लियर पर क्लिक कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको देखिए यहां से जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद क्या होगा कि आप प्ले स्टोर पर जो डेटा है क्लियर कर दिए हैं, यानी कि जितना आप डेटा यूज किए हैं प्ले स्टोर पर सभी आपको हट चुका है, जीरो हो चुका है, और बिल्कुल नया हो चुका है प्ले स्टोर। और आप प्ले स्टोर पर से यहां से क्लिक करके अपने प्ले स्टोर को कोई भी अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां से आपको जितना सेटिंग भी होगा आपको आपसे एकदम नए जैसे ये प्ले स्टोर खुल जाएगा, और यहां से आपको सिर्फ डाटा क्लियर करना है और यहां से आपको प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा इसी तरह से। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और आपको डेटा क्लियर करना है ऐप मैनेजर में जाकर, और आपको जो प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं अगर नहीं होता है तो ये 100% ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको इसी तरह से अपने प्ले स्टोर को डेटा क्लियर करना पड़ेगा तभी आपको सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो आऊं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं अगली वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए।